देखिए आज प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल के नामांकन करने जगदा बाबू पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे, पूर्व मंत्री रहे, बिहार सरकार में सांसद रहे, एक समाजवादी नेता हैं और इससे पहले का भी कार्यकाल हम लोगों ने इनका प्रदेश अध्यक्ष के रूप में देखा है और इनके अध्यक्षता में 2020 के चुनाव में हम सब लोग सबसे बड़ी पार्टी उभर कर के आए, काफ़ी सफलता हम लोगों ने पाया है और आज एक बार फिर से जगदा बाबू जी ने हम सब जिसमें प्रस्तावक बने हैं इन्होंने नामांकन किया है और आज ही 2 बजे तक का नामांकन करने का समय था, तो आप कह सकते हैं कि सर्वसहमति से पुनः जगदा बाबू जी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में चुन करके आएंगे। अब इसकी घोषणा तो आधिकारिक रूप से कल होगी, लेकिन अभी तक तो कोई नामांकन के लिए आया नहीं है और हम उम्मीद भी करते हैं कि सब लोग मिलजुल करके जो है एडवांस शुभकामना दे रहे हैं जगदा बाबू को। हाँ, एकदम शुभकामना है ही, हम लोगों का शुभकामना है, पूरा शुभकामना है। हम तो कई बार CBI और ED इनकम टैक्स के लोगों को न्योता दिए कि भाई आप लोग बार बार छापे मारने आते, आइए मेरे घर में ही दफ्तर खोल लीजिए, हम तो इतना कोऑपरेट किए हैं। कितना अब बताओ, इससे ज़्यादा कोऑपरेट कोई किया है क्या जो अपने ही घर में बोलता है कि दफ्तर खोल लीजिए? और एक बात समझ जाइए कि भाई 2024 का जो है ये डर है, ये असल 2024 का डर है कि भाई जो बिहार में हुआ वो देश भर में होने जा रहा है, पहला डर 2024 का। दूसरा डर ये है कि इनको पता है कि कुछ दिनों में लाखों की संख्या में सरकारी नौकरियां मिलेंगी और बिहार फिर से जो हम लोगों का कमिटमेंट है हम लोग पूरा करने जा रहे हैं। इन लोगों का समझ जाइए कि 8 साल हो गया, 9 साल हो गया, 2 करोड़ रोजगार पते एक वर्ष देना था, इन्होंने दिया नहीं। अब ये जान रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बनी है, हम लोग लाखों की संख्या में नौकरी देने जा रहे। एक तो डर ये है, इनको लगता कि भाई बिहार अगर नौकरी दे देगा तो हर राज्यों में जो है मांग जो है उठेंगी कि उस राज्य में भी लोगों को सरकारी नौकरी मिले, और जो कि भाजपा कर ही नहीं सकती है, भाजपा की सरकार कर ही नहीं सकती। बिहार में भी 2 साल इन लोगों ने बर्बाद किया नौकरी के सवाल पे, रोजगार के सवाल पे। तो इनको डर है कि भाई 24 का डर है और जो हम लोग जो नौकरी देने वाले हैं इससे भी ये लोग घबराए हुए हैं। और आप एक बात समझ जाइए, और भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो हर एक चीज़ों का आप लोगों के पास तो है ही, उस बाकी कोर्ट का मसला है, ये कोर्ट में हम लोग जवाब देंगे। संजय जायसवाल ने कहा कि गिरिराज मंदिर को आपने धमकी दिया है, उसका नतीजा है किसी भी आज आप पर। कौन? संजय जायसवाल ने कहा है। इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है, ये लोग आपस में इन लोगों में कॉम्पिटिशन है कि भाई बीजेपी का कौन चेहरा उभर करके आएगा। चुनाव तो आते ही रहेंगे, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब देंगे?